हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में अनेक ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण अभी भी कच्चे मकानों में रहने पर मजबूर हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना इन परिवारों के लिए सहारा बनी है और सैकड़ों परिवारों को अब पक्के आशियाने मिल चुके हैं। शिमला जिले में जुब्बल क्षेत्र के डीम गांव में भी अनेक ऐसे परिवार हैं जो कई दशकों तक कच्चे मकान में गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास योजना ने उन्हें पक्के मकान दिए हैं। लाभार्थी शोभराम ने बताया कि उनके घर की छत से पानी आता था और हर वक्त मकान ढहने का डर लगा रहता था, लेकिन अब पक्का मकान मिलने से सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। इस मकान को बनाने में बहुत असमर्थ था क्योंकि मेरी इतनी लाइक ना इनकम है ना ही मैं कर सकता था। मैं एक VPL परिवार, मतलब बहुत गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ, और मैं आभार प्रकट करता हूँ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जिन्होंने ये रकम बढ़ा के 1,30,000 की, जिसका हमने आज बेनिफिट लिया है। मैं इस चीज़ से बहुत ही खुश हूँ। एक अन्य लाभार्थी धर्मपाल ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना से उनके घर में खुशहाली आई है और पक्का मकान मिलने से घर के सभी सदस्य खुश हैं। प्रधानमंत्री योजना के तहत जो हमें 1,30,000 की धनराशि प्राप्त हुई, उसका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं प्रधानमंत्री जी का और अपने पंचायत का जिन्होंने हमें स्कीम के तहत डाला। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब परिवारों के सपने को साकार कर रही है और उनके जीवन में खुशहाली ला रही है। चौपाल से DD News के लिए कुलदीप फेरान की रिपोर्ट।